आंखें देखी। गया जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों हेतु एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि संशोधित अधिनियम के द्वारा कमेंसमेंट के समय शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी अपने आर्म्स लाइसेंस पर अधिकतम 2 अग्निशस्त्र धारण कर सकते हैं। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आयुध अधिनियम 1959 तथा संशोधित 2019 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख LAC पे चाइनीज कायराना हरकत में शहीद हुए भारतीय जवानों को पूरा देश दे रहा है श्रद्धांजलि। लोग चाइनीज राष्ट्रपति का पुतला जला रहे, वहीं चाइनीज सामान के बहिष्कार की भी बातें की जा रही हैं। गया से राजगीर जाने वाली वजीरगंज मुख्य मार्ग बन गया है तालाब। आए दिन गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन रोड के मरम्मत का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। शेरघाटी में भी जलाया गया चाइना के राष्ट्रपति का पुतला। लोगों ने चाइनीज सामान के बहिष्कार का लिया शपथ। आज लगातार 2-3 दिनों से जिस तरह से चीन के द्वारा हमारे नौजवान वीर सपूतों को जो धोखे से सामने में नहीं डोकलाम में जो घटना का अंजाम दिया है चीन के सैनिकों ने और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने, उस आज हम पूरे देश में चीनी सेना का विरोध कर रहे हैं, चीन का विरोध कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में जिस थाली में वो चीन खाता है, उस हमारे ही पैसा से हमारे ही नौजवान वीर सपूत। आमस थाना क्षेत्र के गंगटी मोड़ के समीप एक टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हाल ही में आमस थाना क्षेत्र में टेम्पो दुर्घटना में कुल 9 लोगों की जान गई थी। बोधगया में भी जलाया गया चाइनीज राष्ट्रपति का पुतला। लोगों ने चाइनीज सामान के बहिष्कार का लगाया नारा। बहुत ही घिनौना काम किया गया है जो हमारे सैनिकों पर उन्होंने पीछे से वार करने का काम किया है। और हम लोगों ने पूरे भारत में जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी चौक चौराहे पर चाइना राष्ट्रपति जिनपिंग जी का पुतला दहन करने का कार्यक्रम आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये है, साथ में हम लोग चाइना के बने सामानों का बहिष्कार करने का आज से संकल्प लेने का काम करने जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। मैं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुखदेव गुरु जी बोध गया। आमस टोल प्लाजा के कुछ कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वर्तमान में वहां काम कर रहे कर्मी ग्लव, सैनिटाइजर तथा मास्क का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में जब हमारे रिपोर्टर वहां गए थे तो वहां के कर्मी ग्लव्स का यूज नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत हमारे रिपोर्टर ने वहां के मैनेजर से की थी। गया जिला भाजपा अध्यक्ष धनराज शर्मा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चाइनीज सामान का बहिष्कार की ली शपथ तथा चाइनीज सामानों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आपने देखी।